तो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज दूसरा दिन महाबलेश्वर में, तो अभी हम होटल में स्टे किए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो चलते हैं भैया ब्रेकफास्ट करने। तो यहाँ अलग से भी रूम है। तो गाइस स्विमिंग पूल चल रहा है, उसमें लोग नहा रहे हैं। अभी हमने नाश्ता ले लिया है, बुफे सिस्टम था। ये एक उत्तप्पा, ये एक केक, कांदा, टमाटर, धनिया, ये साबुदाना, खिचड़ी, पाव, आटा टिक्की, ये चटनी, मिसल पाव का मिसल। चलो खाते। तो हमने बिस्कुट की एक डाला खाने के लिए, बहुत प्यारी है ये खा रही है। नाइस। हम ब्रेकफास्ट करके आए, तो यहाँ है बेरीज। ओ मेरी बेरी के बेर मत, ये देख वहाँ पे पकी वाली भी लग रही है। बहुत सारे हैं, दो पकी वाली लग रही है। पक्की पक्की है गाइस, ये देखो इतनी सारी। हम निकल चुके हैं होटल से, अभी हम जा रहे हैं तपोला। तपोला यहाँ से 44 किलोमीटर है, जिसके लिए 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। तो तपोला जाने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। गाइस मम्मी अभी वहाँ पीछे उतरी थी वो मलबेरी लेने, तो आ रही है। क्राउड खत्म हो गया, ठीक है चलो भाई। तो गाइस इस बार बारिश में ब्रिज सही में टूट गया था, तभी बन रहा है। ये देखिए अब पूरा ऐसे नीचे तक चला गया था। ये तपोला का है व्यू, देख लीजिए बहुत अच्छा है। अच्छा ओए गाइस देख सकते हो छोटा बंदर, और मस्त व्यू एकदम। तो गाइस आप देख सकते हो सामने का व्यू एकदम मस्त है भाई, पहाड़ी पहाड़ एकदम, मजा आता है। नाइस। तो गाइस ये रास्ता भी टूट के गिर चुका था। ओए 107 डबल हो गाइस, दिख गए हमको रास्ते पे। ये है 17 मॉडल, जैसे हम देख सकते हो हमने स्पॉट कर ली 17 डबल में पहली बार रास्ते में। तो गाइस अभी हम तपोला के रास्ते पे जा रहे हैं, और तपोला का रास्ता कम से कम 10-12 फीट बड़ा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब दो गाड़ियाँ आराम से निकल सकती, पर एक बस और एक कार आराम से नहीं निकल सकती। तो आपको सेफ चलाना होगा, और बाकी तो और एडवेंचरस है, मज़ा आ रहा है। इधर उधर टर्निंग वर्निंग मस्त एकदम, ओपी सा फील। तो गाइस यहाँ हम अभी रुके हैं स्ट्रॉबेरी गार्डन में, बहुत बड़ा गार्डन है। अभी हम देखेंगे, पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे आपको गार्डन कैसा है। ऐसी खेती होती है इन स्ट्रॉबेरीज की। चलिए वाह। ये देखिए बहुत मीठी है। गाइस फार्म में हम स्ट्रॉबेरी तो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि क्या हुआ ना, सुबह से लोग तोड़ के चले गए, और ये जो बाकी जो बची हैं ये इन्होंने दिखाने के लिए रख रखी है। तो आप देखिए ये ऐसे स्ट्रॉबेरी लगती है, ये देखिए। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, इनको ऐसे में फार्मिंग की जाती है इनकी। बाकी बहुत अच्छे हैं। एक बहुत छोटी स्ट्रॉबेरी दिखाता हूँ जो मुझे दिख गई, ये देखिए बहुत छोटी सी स्ट्रॉबेरी। फोकस हो जा, हाँ ये देखिए बहुत छोटी स्ट्रॉबेरी। सही है भाई एकदम मस्त, बढ़िया। सो ये भी स्ट्रॉबेरी पर इस तरह जाना मना है, तो नहीं जा सकते। ब्रोकली तो ए विकू ये ना, इतनी सारी स्ट्रॉबेरी। तो आप देख सकते हो कितना मस्त नज़ारा। गाइस पवन चक्कियाँ देख सकते हो आप, आगे विंड मिल्स एकदम नीचे, बहुत अच्छी नदी है, नज़ारा एकदम ओपी टाइप का चल रहा है। चलिए देखो हम आ चुके हैं तपोला। तपोला इज़ द मिनी कश्मीर बोला जाता है तपोला को, देखिए। तो बस हम आ ही गए तपोला, चलते हैं। बहुत सारी वो थी इसमें जेट स्की, बहुत सारी चीज़ें। चमगादड़ देखिए ऊपर वहाँ लटक रहे हैं, कुछ उड़ भी रहे हैं। देखो ये गाइस उड़ा चमगादड़, और ये देखिए भाई कोरोना के हैं भैया। सही है भाई चमगादड़, देख सकते हो सामने नदी है। तो अभी हम चलते हैं बोटी मोटी पूछते हैं। चलिए रोड पे देखिए चमगादड़ के झुंडी झुंड काले काले। तो आप देख सकते हो यहाँ शिव सागर दर्शन, त्रिवेणी संगम, दत्त मंदिर, परसोता फोर्ट, बहुत सारी है यहाँ। प्राइस भी पूछेंगे अभी, सॉरी प्राइस यहाँ स्पीड बोट का 800, रोविंग बोट का 500, देन वाटर स्कूटर का 200,
और पैडल बोर्ड का 500 और मोटर बोर्ड का 800। तो यहाँ से तो अभी मैंने ये पेप्सी ली है और अभी हमारी मोटर बोट है, तो अभी हम चलते हैं मोटर बोट पे। हमारे अभी मोटर बोट आ चुकी है, तो अभी हम मोटर बोट के अंदर जा रहे हैं। चलिए अंदर बैठ के आपको व्यू दिखाता हूँ। गाइस हम बैठ चुके हैं, बहुत अच्छी शिप है। ओ वाओ, सामने इंजन है, नाइस। चलिए तो गाइस फाइनली हमारी बोट चली है, तो अभी ड्राइवर अंकल जाएंगे उधर बोट चलाने, अभी आएगा मज़ा। बोट चल चुकी है और मैं सबसे सामने वाले सीट के सामने बैठ गया, चलते देखते कहाँ ले जाती है हमको बोट। बोट पानी के ऊपर है, सबसे आगे बैठे हैं। तो गाइस ये त्रिवेणी संगम है, यहाँ से भी ये नदी है, यहाँ भी नदी है और पीछे भी नदी है, ये त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम के एक आइलैंड पे आ चुके हैं। ये आइलैंड की मिट्टी गीली गीली है क्योंकि अजूबा अजूबा पानी पानी है इसके। इधर भी नदी है, उधर भी नदी है, देन इधर से भी नदी आ रही है, तो इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो गाइस अभी हम यहाँ रुकेंगे, मैगी वैगी कुछ खाएंगे, तो ये भी एक आइलैंड है। तो चलिए ये बोट आते हुए ये आ गए बोट, अभी हम चलेंगे उधर कुछ खाएंगे। बटाटा वड़ी और कांदा वड़ी आ चुका है, अभी मैगी भी आएगा, हमारी मैगी भी आ चुकी है, मस्त अभी खाते हैं। हमारा मैगी खाने का हो गया, तो हम वहाँ से बहुत निकल चुके थे, तो अभी हमें आ गए हैं, देखते हैं हमें आगे क्या करेंगे। तो गाइस अभी हम स्पीड बोट करने जा रहे हैं, तो पहन लिया पूरा, चलो। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो जो ब्लू स्पीड बोट है उसमें मैं बैठा हूँ, बहुत एक्साइटमेंट भी हो रहा था और ऐसा डर भी लग रहा था कि क्या अगर गिर गिर ना जाए, पर हाँ बहुत मज़ा आया। तो इतना तेज चलाई ना उन्होंने भाई साहब, बहुत मजा आया। गाइस वो भैया ने इधर बोट को दादी जैसा पीछे देख सकते हो भाई, मजा आ गया। तो गाइस मैं एक बार जा के आ चुका, बहुत मजा आया, अभी दूसरी बार जाना पापा के साथ। तो गाइस ऐसे चार साथ में जा रहा था ना, ऐसा लग रहा था GTA 5 का मनी हाइस्ट वाला मिशन चल रहा हूँ, उसमें भी ऐसा ही होता है लास्ट में जब बैंक लूट के भागते हैं वो। इतना दूर ले जाने के बाद वो हमसे पूछ रहे थे एक और राउंड कर लो, तो हमने कर भी लिया एक और राउंड। तो इधर पास आने के बाद इन्होंने ऐसी घुमाई स्पीड बोट, ऐसी घुमाई भाई, मज़ा आ गया एकदम। तेल ले जाके वो एकदम से घुमा रहे थे पूरा, ये देखिए ये, और वाह टाउ चाल दी उन्होंने एक तरह से बोट, बहुत मज़ा आ गया एकदम, चिल्लाने लग गए थे हम चिल्ला। हमने बोटिंग करी, पहले तो 1 राउंड करी, फिर उसके बाद हमारा मन करा तो उसके और 2 राउंड करी, 3 राउंड कर ली, बहुत मजा आया। अभी तपोला से निकल रहे हैं, तो आगे देखते कहाँ जाएंगे। तो गाइस हम तपोला से निकलने के बाद महाबलेश्वर के मेन मार्केट में गए, जहाँ हमको पार्किंग नहीं दिखी, तो हमको बहुत भूख भी लग रही थी, खाना भी खाना था, तो फिर हम दूसरी जगह खाना खाने चले गए, फूड स्टूडियो, वहाँ गए। मेरा बहुत सर दुख रहा था इसलिए मैंने आगे व्लॉगिंग नहीं करी, बस होटल के सामने गए तब मैंने थोड़ी बहुत कर ली। गाइस हम तपोला से आ चुके हैं, अब हम यहाँ होटल में एंट्री कर रहे हैं। मिलेनियम पार्क देखते हैं पार्किंग मिलती कि नहीं मिलती।